Yesterday we started with the P exclaim where the meaning of P is potence, that means power. Okay, so this game we will be using for determining the power of acid and bases, that how strong an acid or base is or how weak an acid or base is. Okay, so ye jo scale hai that goes from जीरो से 14 तक का होता है ये स्केल, ठीक है? बिल्कुल सेवन सेंटर में आता है, सेवन न्यूट्रल पीएच का है, देन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन, सो ऑन दिस साइड इफ यू मूव दिस साइड एंड देयर इज एन इंक्रीज इन द एसिड करेक्टर, दिस करेक्टर and on this side there is an increase in the acidic character. So this is 6, 5, 4, 3, 2, 1. So jitna zyada aap is taraf aaoge utna hi zyada acidic content jo hai, acidic nature jo hai wo increase. Okay. So also we have studied that the formula of pH is minus log of hydronium ion concentration or H positive ion concentration. तो जैसे जैसे H positive ion की concentration बढ़ेगी जो pH है उसकी value कम होगी. Okay. अब यहाँ पर हमने दो तीन बातें आपने देख लेनी है because सबकी हमने discuss नहीं करनी है but there are 2 to 3 solutions whose pH or whose acidic and basic character is shown to you in the book, your NCERT book. जैसे gastric juice है आपके, जो आपके stomach में gastric juices produce होते हैं, उनकी pH round about 1 to 2 तक आ जाती है. Okay, so gastric juices that are present in your stomach, they are having pH about 1.2 तक की होती है. ठीक है, तो in between 1 और 2 के हम ले लेते हैं. Lemon juice की 2.2 तक होती है. फॉर द लेमन जूस. ओके, तो ये दो तीन सॉल्यूशंस आपके एनसीईआरटी में मेंशनड हैं, ठीक है, हम उसका डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद हम चलते हैं 7, प्योर वाटर. प्योर वाटर इज हैविंग अ पीएच ऑफ 7. ब्लड, योर ब्लड इज लाइट बेसिक इन नेचर हैविंग पीएच 7.4. आपका ब्लड जो है वो स्लाइटली एल्कलीन है विद पीएच ऑफ 7.4. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज हैविंग पीएच ऑफ 10. दैट इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. एनएओएच की पीएच है 14. एनएओएच इज हैविंग अ पीएच ऑफ 14. ठीक है जी. So these are some of the basic solutions and their pH values that are mentioned in your NCERT. अब उसके बाद मैं आपको और solutions दिखा भी देती हूँ. Okay? चलिए let's see how the pH is actually तो बेटा can you see this? राइट, सो दिस इज अ पीएच स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर स्केल है ये. आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं इसके ऊपर, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम बहुत ज़्यादा डार्क रेड है. ओके, देन लाइट रेड, इसके बीच में एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ ऑड नंबर्स गिवन हैं, तो इवन नंबर के फॉर्म में अगर आप देखो तो ये रेड से लाइट रेड होगा, फिर ऑरेंज, उसके बाद इट विल एक्वायर अ येल्लो शेड. ठीक है, तो 3 पे ऑरेंज शेड दिया हुआ है. अगर आप 4, 5 पे चलोगे, ठीक है, 4 पे चलोगे आप, इसके बाद इसकी येलो शेड होनी या येलो कलर में चेंज होना शुरू होगा ये. उसके बाद 5, 6, 7 तक ये न्यूट्रल कलर्स में आ रहा है, डैट इज ग्रीन कलर में आ रहा है ये. ओके, 7 पे ये ग्रीन कलर्स में आ जाएगा. उसके बाद जो ग्रीन कलर है उसकी इंटेंसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी. देखिए, कैन यू सी, लाइट है फिर डार्क है 9 तक, फिर 10 पे इट इज़ वेरी डार्क इन कलर. 10 पे बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन है ये. ओके,
11 नहीं है, 12 एंड 14 पे दिस इज ब्लू इन कलर, वेरी वेरी डार्क ब्लू इन कलर. सो दिस इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर. ठीक है, इसके ऊपर ही आपको जो पीएच वैल्यूज हैं वो गिवन हैं, 13597. ठीक है, तो ऐसे करके आपको वैल्यूज जो हैं वो गिवन है इसके ऊपर. अब हम टेस्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस को ऑन द पीएच स्केल. तो मैं आपको साथ साथ में कलर्स भी दिखाऊंगी, कौन सा कलर चेंज आ रहा है उसका. यू हैव टू गेस विच सॉल्यूशन और विच एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन इज दिस. ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशंस दिखाऊंगी नहीं कि मैं कौन सा पोर कर रही हूँ. राइट, आई विल बी जस्ट पोरिंग अ ड्रॉप. सो दिस इज द फर्स्ट वन. विच कलर इज दिस बेटा? दिस इज द फर्स्ट वन. विच कलर इज दिस? This is dark red. What that signifies? Dark red होने का मतलब क्या है? So this is acidic. ठीक है? Dark red है, बहुत ज़्यादा red है ना आपको दिख रहा है? तो ये बहुत ज़्यादा acidic हो सकता है. Okay? So this comes under the category of acidic solution. तो mostly इसकी जो pH है वो किस में lie करेगी? हाँ जी, बहुत ज़्यादा red है तो इसकी pH जो है वो 1 to 2 के करीब lie कर सकती है इसकी. Okay? Coming to the next. Now see the second one, beta. Can you see the second one? उसी के नीचे मैंने दूसरा बनाया है. That was actually sulfuric acid. Can you see कि उसने paper से भी pass कर दिया हुआ है? आपका paper में hole हो गया जहां पे मैंने sulfuric acid add किया था. कैन यू सी द होल? यहाँ पर ये एक्चुअली यहाँ पे होल हो गया है बिकॉज जो सल्फ्यूरिक एसिड है इट इज हाईली एसिडिक इन नेचर. तो उसने वो पेपर को भी वहां से क्या कर दिया है. राइट, हाँ जी, कौन सा कलर है ये बेटा? सो दिस इज ऑरेंज रेड. तो ऑरेंज शेड आना शुरू हो गया है, डैट मीन्स इट मस्ट बी हैविंग अ पीएच नियरली ऑफ 3-4. ठीक है, 4 तक ही इसकी पीएच हो सकती है. अगर आप पीएच स्केल पे देखो ऑरेंज की है तो 3-4 तक हो सकती है इसकी पीएच. अब यानी कि ये लेस एसिडिक है. दिस इज लेस एसिडिक एज कम्पेयर टू द अबव वन. ठीक है, तो डैट मीन्स अगर मैं इन दोनों में से कंपेयर करूँ तो ये जो ऊपर वाला सॉल्यूशन था वो ज़्यादा बेसिक था और ये वाला सॉल्यूशन जो है वो लेस एसिडिक है और ऊपर वाला जो है वो ज़्यादा एसिडिक था. ठीक है, कमिंग टू द थर्ड वन नाउ. जस्ट अ मिनट बेटा. हाँ जी, व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? कैसा कलर नजर आ रहा है आपको? हाँ जी, कौन सा कलर नजर आ रहा है? स्ट्रिप के मैचिंग का ही कलर है ये, ग्रीन. ग्रीन कलर है ये, राइट, ग्रीनिश टोन में है. तो डैट मस्ट बी हैविंग अ पीएच नियरली ऑफ 6 to 7, बट एक्चुअली दिस इज डिस्टिल्ड वाटर. तो इसकी पीएच जो है वो 7 है. ओके, तो न्यूट्रल है ये. दिस इज न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ डिस्टिल्ड वाटर डैट इज हैविंग ग्रीन. नो, दैट इज नॉट ऑरेंज. आपको यहाँ पर लग रहा होगा बट स्ट्रिप में अगर आप कलर देखो तो वो ग्रीन है. ठीक है, माइट भी आपको कैमरा के कारण वो थोड़ा सा ऑरेंज शेड दे रहा होगा बट एक्चुअली दिस इज ग्रीन इन कलर. ओके, सो दिस इज डिस्टिल्ड वाटर डैट इज बेसिकली न्यूट्रल हैविंग पीएच ऑफ 7, राइट.
हाँ जी बेटा, नेक्स्ट देखिए। व्हाट अबाउट दिस? दिस इज नॉट एक्चुअली पर्पल, दिस इज रेडिश इन टोन, ठीक है, तो ये भी HCl ही है। दिस इज HCl, राइट? HCl सॉल्यूशन है ये, स्लाइटली रेडिश टोन है इसकी। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, माइट भी थोड़ा सा कलर चेंज आपको वो कैमरे के कारण लग रहा होगा, बट अगर आप इफ यू कम नेक्स्ट मंडे, आप अगर आप आओगे स्कूल में तो मैं आपको फिर से दिखा दूंगी ये, ठीक है? कैमरे के कारण मे बी आपको ये कलर जो है थोड़े से डिफरेंट नजर आए। विच शेड बेटा, कौन सा कलर है ये? दिस इज ब्लैक, आप ब्लैक कह रहे हो, एक्चुअली ये ब्लू कलर है, ठीक है, डार्क ब्लू कलर है ये। सो डार्क ब्लू है, डैट मीन्स डैट सिग्निफाइज कौन सा करेक्टर? डार्क ब्लू ब्लैक इट सिग्निफाइज कौन सा करेक्टर है ये, एसिडिक और बेसिक? बेसिक करेक्टर है, ठीक है, राइट? सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशंस एंड वी कैन मैच देम फ्रॉम द पीएच स्ट्रिप, ठीक है, जो आपकी यूनिवर्सल इंडिकेटर की स्ट्रिप है आप उससे उसको मैच भी कर सकते हैं, राइट? ठीक है बेटा, क्लियर? पीएच वाला टॉपिक आपको क्लियर है बेटा, ठीक है? तो ऐसे हमने डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस की पीएच को फाइंड करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज द एप्लीकेशंस ऑफ द पीएच इन आवर डेली लाइफ, और व्हाई पीएच इज इम्पॉर्टेंट, द रोल ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। So role of pH in our everyday life. Okay, ma'am. So next is the role of pH in everyday life. सबसे पहले तो आपका pH का role है. Whenever you feel acidity, जब आपको acidity हो जाती है, right? pH in our digestive system. Acidity की problems जो है वो कब होती हैं? When we eat too much of spicy food, ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा जब स्पाइसी फूड खा लेते हो, राइट? सो दैट फूड इट इज नॉट ईजी टू डाइजेस्ट बाई योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उस केस में क्या होता है कि जो आपकी गैस्ट्रिक जूसेस, आपको पता है आपके स्टमक की जो पीएच है, अभी मैंने जैसे आपको बताया है स्टमक में एसिड होता है, दैट इज हैविंग पीएच ऑफ अबाउट 1.2, सो यू कैन अज्यूम हाउ एसिडिक इट इज। 1.2 उसकी पीएच है, ठीक है, तो नियरली हम 1-2 पीएच इसकी अज्यूम कर लेते हैं, जो हमारा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन द स्टमक, ठीक है। तो व्हेनेवर यू ईट स्पाइसी फूड, तो ये पीएच जो है वो और ज्यादा ड्रॉप हो जाती है, और ज्यादा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि आपके जो स्टमक है उसमें एसिड का कंटेंट, ठीक है, उसमें एसिड का जो लेवल है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है आप, ओके? सो दिस कॉजेज द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी और इनडाइजेशन इन योर स्टमक, जिसके कारण आपको फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, ओके? सो टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ इनडाइजेशन एंड एसिडिटी वी नॉर्मली टेक सम ऑफ द एंटासिड्स। तो हम एंटासिड्स प्रेफर करते हैं, जैसे आप घर में नॉर्मली कोल्ड मिल्क जो है यू कैन टेक एज एन एंटासिड, ठीक है, जेलोसिल होती है, इनो, दे ऑल कंटेन बेस इन देम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, राइट?
द सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इट ऑल्सो एक्ट एज एन एंटासिड. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट इज एक्चुअली द सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. जेलिफिल इनो ये सारे इनमें क्या होते हैं, बेस होते हैं, क्योंकि हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ के आए हैं अभी, राइट. तो एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, बेस. तो बेसिस को इन द फॉर्म ऑफ हम क्या लेते हैं, मैग्नीशियम की फॉर्म में ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ओके. इनो में भी आपकी जो है वो बेस है. सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन टेक इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द एसिडिटी प्रॉब्लम, ओके. द पीएच ऑफ 1.2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्टमक टू वर्क, ठीक है. तो 1.2 या नियरली 1 to 2 की जो पीएच है वो इंपॉर्टेंट है आपके स्टमक की वर्किंग के लिए. अदरवाइज अगर ये पीएच ड्रॉप होती है तो आपको यू माइट फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ इनडाइजेशन एंड एसिडिटी, ओके. सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच. सेकंड इज अबाउट द एसिड रेन. एसिड रेन दैट इज गोइंग टू अफेक्ट प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ह्यूमन बीइंग, ठीक है. तो हमारी जो बॉडी है वो एफिशिएंटली वर्क करती है विद द पीएच ऑफ 7 to 7.5, ठीक है. नॉर्मली हमारी जो बॉडी है एसिड होता है, अदरवाइज वी आर हैविंग इन द ब्लड, ब्लड इज ऑल्सो आर एल्कलीन, सलाइवा भी जो है आपका वो एल्कलीन है, ठीक है. तो नॉर्मली क्या होता है कि आपकी जो पीएच है, ठीक है, इफ इन द केस ऑफ एसिड रेन, जैसे रेन में एसिड कंटेंट ज्यादा हो जाता है ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ सम ऑफ द गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. इन गैसेस के कारण क्या होता है, दे फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट एसिड. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड, ठीक है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विद एसिड विद वाटर इट गिव्स नाइट्रिक एसिड. सल्फर डाइऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो ये आपको सल्फ्यूरिक एसिड देता है. सो यू कैन सी द डिफरेंट अमाउंट ऑफ एसिड्स दे आर प्रोड्यूस्ड, ओके. तो अब होता क्या है कि व्हेन द पीएच ऑफ द रेन इट इज लेस देन 5.6 तक तो ठीक है, राइट. बट इफ द पीएच ऑफ द रेन वाटर इज लेस देन 5.6 तो इट कॉजेस एसिड रेन, देन इट रिजल्ट्स इनटू एसिड रेन. नाउ एसिड रेन इट कैन बी हार्मफुल फॉर एवरीवन, ठीक है. आप पढ़ के आए हो लोअर क्लासेस में भी प्लांट्स को अफेक्ट करती हैं, एनिमल्स को, एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो उनको अफेक्ट कर सकती हैं, प्लांट्स में प्लांट्स की ग्रोथ को, सॉयल को, ओके. ह्यूमन बींग्स हमारे साथ अगर टच में आएगी तो हमें स्किन रैशेज, ओके, इट कैन कॉज स्किन प्रॉब्लम्स टू अस. इट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द मॉन्यूमेंट, जैसे ताजमहल की एग्जाम्पल ले लें, राइट. इट इज करोडिंग द मार्बल ऑफ द ताजमहल, राइट. सो इन द रेन द रोल ऑफ पी एच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर उसकी जो पी एच है वो कम होगी तो डैट विल रिजल्ट इन द एसिड रेन, तो डैट विल बी हार्मफुल फॉर एवरी वन, ओके. नाउ वन क्वेश्चन मोर, यू नो डैट द एटमोस्फेयर ऑफ वीनस, जो अब जब हम स्पेस की बात करें तो इसका रोल जो है वो स्पेस में भी है. जो आपका वीनस है, द वीनस प्लैनेट, इट इज हैविंग क्लाउड्स दैट आर मेड ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स हैं. वीनस हैज क्लाउड्स मेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो थोड़े से थिक व्हाइट एंड येलोइश कलर के अपेयर होते हैं, ओके. तो नेचुरली भी आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है, यू कैन सी इट अकर्स इन द एटमॉस्फेयर. थर्ड रोल इज अबाउट द सॉयल. ये आप पढ़ के आए हो कि सॉयल फर्टिलिटी जो है, ठीक है, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने कोई भी क्रॉप जो है वो ग्रो करवाना है तो जो सॉयल है उसकी पीएच जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए. द ग्रोथ ऑफ योर क्रॉप, द ग्रोथ ऑफ योर प्लांट, इट ओनली डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ द सॉयल. बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बेसिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है. इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द क्रॉप रिक्वायरमेंट, कि जैसे क्रॉप की रिक्वायरमेंट है वैसे ही पीएच जो है वो होनी चाहिए.
हाँ जी क्लियर बेटा, अगर बहुत ज्यादा बेसिक है तो आप उसमें एसिडिक सब्सटेंसेस ऐड कर सकते हो। इफ योर सॉइल इज बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक है तो यू कैन ऐड कंपोस्ट। कंपोस्ट इज एक्चुअली एन एसिडिक सब्सटेंस, तो आप सॉइल में कंपोस्ट ऐड कर सकते हो इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज इट। अगर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है so you can add slake lime, quick lime, in order to neutralize the acid content of the soil, right? Bhumika, what are you writing, beta? राइट, तो जो सॉइल है इट नीड्स प्रॉपर पीएच वैल्यू इन ऑर्डर टू ग्रो द प्लांट्स, सो दैट यू हैव टू सी कि आपकी जो सॉइल है उसको कौन सा करेक्टर जो है वो सूट कर रहा है, इधर न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, ठीक है? तो उस अकॉर्डिंग आप उसकी न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा एसिडिक है तो आप उसमें स्लेक लाइम या क्विक लाइम डाल सकते हो, डैट आर द बेसिक थिंग्स। अगर बहुत ज्यादा बेसिक है तो आप उसमें कंपोस्ट ऐड कर सकते हो, डैट इज द एसिडिक मटीरियल। नेक्स्ट इज pH change as the cause of tooth decay. The third thing is pH due to tooth decay. तो आपकी माउथ की जो एक्चुअली पीएच है राइट दैट इज मोर देन 7, एज आई टोल्ड यू कि आपका सलाइवा जो भी है वो एल्कलीन है, ओके? सो द पीएच ऑफ योर माउथ इज मोर देन 7, दैट मींस इट इज एल्कलीन इन नेचर। अब इसकी जो पीएच है वो कम कैसे होनी शुरू होगी? वट एवर फूड, वट एवर वी ईट, व्हेन इट इज लेफ्ट इन बिटवीन योर टीथ, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होते हैं जो बैक्टीरियाज हैं, दे एक्ट ऑन इट, okay? So bacteria they act on the left food that is present in your teeth and they release acids upon them, okay? And they release acids on them. So jo aapke tooth enamels hain they are actually made of calcium phosphate your tooth enamel they are made of calcium phosphate and they are the hardest known substance. ये पानी में इजिली डिजोल्व नहीं होते हैं, आप जितना मर्जी पानी ले पी लो, ठीक है? जो आपके टूथ इनेमल हैं, they are made of calcium sulfate, they don't dissolve in water. But they dissolve when there is excess of acid content in your mouth. तो जब आपके माउथ का जो एसिड कंटेंट है वो ज्यादा हो जाता है तो ये टूथ इनेमल जो है ये करोड होना शुरू हो जाते हैं, ओके? So whatever left over is present in your mouth, when bacteria they act on them, they release acids over it. And due to this acid consumption, ठीक है, तो ये जो acid आपकी body में, आपके mouth में accumulate होता जा रहा है, इसके कारण क्या है? जो आपकी mouth की pH है, वो कम होती जा रही है, ठीक है? तो ये 7 से कम हो रही है, and that can basically corrode your tooth enamels, ठीक है? तो ये आपके teeth को क्या कर सकते हैं? Harm कर सकते हैं। ओके, हाँ जी क्लियर। सो इफ इट रीचेस अ पीएच लेस देन 5.5, अगर पीएच 5.5 से भी कम होनी शुरू हो जाती है तो ये जो टूथ इनेमल है ये बेसिकली डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, राइट? जो टूथ इनेमल है ये डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, करोड होना शुरू हो जाता है। The last factor, self-defense by the plants and the animals. Now this is the next factor. Self-defense by the plants and animals.
हम ये बिगनिंग से भी पढ़ के आ रहे हैं कि दैट देयर आर सम प्लांट्स, देयर आर सम इंसेक्ट्स दैट बेसिकली आर हैविंग सम ऑफ द एसिड इन देयर स्किन. तो जब वो डंक करते हैं, आपको डंक मारते हैं, तो उनमें क्या होता है, दे कंटेन सम ऑफ द एसिड. ओके, एंड ड्यू टू दिस एसिड यू फील सम इचिनेस, बर्निंग आती है आपको, बर्निंग इफेक्ट जो है वो आप फील करते हो. ओके, एंड स्टिंग हो गया, हनी भी, ये सारे जो इनके स्टिंग्स हैं दे कंटेन फॉर्मिक एसिड. ओके, सो दैट एसिड इट शुड बी न्यूट्रलाइज्ड विद सम ऑफ द बेस. तो आप बेकिंग सोडा के साथ जो एरिया है उसको रब कर सकते हो इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द फॉर्मिक एसिड विद द बेकिंग सोडा. ओके, एंड देयर इज वन मोर प्लांट दैट इज हैविंग एक्चुअली अ नेचुरल सेल्फ डिफेंस, द लीव्स ऑफ द नेटल प्लांट. देयर इज वन प्लांट कॉल्ड नेटल प्लांट. नेटल प्लांट की जो लीव्स हैं दे आर स्टिंगिंग इन नेचर. सो व्हेन एवर यू टच देम दे स्टिंग. ठीक है, व्हेन एवर यू टच द लीव्स ऑफ द नेटल प्लांट दे स्टिंग. वो आपको डंक मारते हैं, डंक करते हैं. ठीक है, तो उससे क्या होगा, दे प्रोड्यूस मिथेनोइक एसिड. जैसे ये फॉर्मिक एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, दे प्रोड्यूस मिथेनोइक एसिड. अगेन एसिड है तो कुछ बेस के साथ हम न्यूट्रलाइज करेंगे, बट कहते हैं कि नेचर जो है रेमेडी भी साथ में भेजते हैं. अगर उसको स्टिंगिंग लीव्स दिए हैं, ठीक है, तो जो इसकी रेमेडी है, इसको हमने कैसे ओवरकम करना है, वो भी नेचर ने साथ में प्रोवाइड की हुई है. तो नेटल प्लांट के बिल्कुल साथ जो है वो कौन सा प्लांट ग्रो करता है, डॉग प्लांट. नेटल प्लांट के बिल्कुल साथ adjacent to it there is a plant called dock plant. Dock plant के जब leaves जो हैं वो आप उस area पे rub करते हो, then it neutralizes the effect of the nettle plant. ठीक है, तो जो dock plant में, sorry, जो nettle plant में methanoic acid release किया है, that is basically neutralized with the leaves of the dock plant that always grow adjacent to the nettle plant. वो हमेशा साथ में ही ग्रो करता है नेटल प्लांट. ओके, सो दिस इज द नेचर वे ऑफ प्रोवाइडिंग नेचुरल रेमेडी फॉर द सब्सटेंस. ओके, सो इफ एनीबॉडी इट टचेस द नेटल प्लांट एक्सीडेंटली, तो ही और शी कैन रब दैट एरिया विद द डॉग प्लांट इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दैट एसिड. क्लियर, सो दिस इज अबाउट द पीएच